पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मानखुर्द इलाके की रहने वाली पूनम सिरसागर का ब्रेकअप के बाद निजामुद्दीन शेख ने बड़ी ही बेरहमी से पूनम की हत्या की और शव के सूटकेस में भरकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। इस घटना के बाद तमाम हिंदू संगठन में आक्रोश देखा गया और वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस घटना को लव जिहाद भी बताया जा रहा है। निजामुद्दीन शेख एक टैक्सी ड्राइवर है। बताया जा रहा है कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहता था और पूनम 27 साल जिसकी उम्र थी ये मुंबई के मानखुर्द इलाके के साठे नगर में रहती थी। निजामुद्दीन और पूनम के बीच में अफेयर चल रहा था मगर ब्रेकअप होने के बाद निजामुद्दीन ने पूनम को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और टैक्सी में ही पूनम की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भर दिया और उरन इलाके के चिरनई साई रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया था। वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा ने पुलिस को इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मंगल प्रभात लोढ़ा ने क्या बयान दिया है आपको सुना दिया। मेरी जो परिवार के निकटवर्तियों से बात हुई है और पुलिस से जो बात हुई है उसमें घटना इस तरह की है कि ये जो पूनम सिरसागर करके जो लड़की थी यह नागपाड़ा में कहीं पर काम करने के लिए आती जाती थी और एक निजाम करके लड़का इसके संपर्क में आया था जो कि टैक्सी चलाता था। निजाम इसको 18 तारीख को कल्याण के पास में एक जगह पर लेकर गया और वहाँ पर ऐसा नज़दीक के लोगों का कहना है कि उसका पानी के अंदर डुबा के उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में वो उसकी डेड बॉडी को लेकर कल्याण हॉस्पिटल में पहुंचा और जब उसको ये समझ में आया कि लड़की अभी पूरी मर गई है और कुछ नहीं हो सकता है तो वो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग गया और भागने के बाद में आप तो ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिस तरह दिल्ली की भयानक घटना हुई थी उसी तरह से उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में बंद करके बोरे में बंद करके वहां छोड़ दिया गया और वो यहाँ पर आया गया। यहाँ पर हिंदू समाज के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जब उसको यहाँ घूमते हुए देखा तो जाकर उन्होंने उसको पुलिस में गिरफ्तार करवाया और उसके बाद में उसने ये कबूल किया कि ये इस तरह की घटना हुई है, भयानक घटना है और इसमें अकेला वो नहीं है, इसके साथ और भी कई दोषी लोग शामिल है। एक मातंग समाज की बच्ची के साथ में इस तरह से अत्याचार करके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार के फेंक देना पानी में डुबोने के बाद में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सारे हिंदू समाज के अंदर, मातंग समाज के अंदर, मुंबई के अंदर इसके विरोध में बड़ी आक्रोश की लहर है। मेरे साथ में योगिता सालवी करके जो हमारी कार्यकर्ता है वो आपको इस घटना के बारे में चूंकि और बताएगी, वो परिवार से संपर्क में भी है, पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पुलिस ने एक तरफ दोषी को पकड़ने में, बॉडी को वहां रिकवर होने के बाद में उसका मिलान करने में काम किया है, वहां दूसरी तरफ केवल
निजाम को पकड़ के नहीं चलेगा, उसके साथ में जो 12-15 लोग और इसमें घटना में आने के बाद और आने के बाद उसकी सारी घटना को छुपाने में जिन्होंने उसके साथ रोल किया, उन सब लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वही इस पूरे मामले को लेकर MIM पार्टी के नेता वारिस पठान का भी बयान सामने आया है। वारिस पठान ने कहा है कि महिला की हत्या करने वाला कोई भी हो वो अपराधी है और उसको कानून के तौर पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस घटना को कुछ लोग लव जिहाद से जोड़कर बता रहे हैं जो ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, अगर उसने किसी महिला का कत्ल किया है तो ये बहुत ही संगीन जुर्म है और कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस इसका संज्ञान लेगी और कायदे के हिसाब से जो भी इसको सजा देनी है देंगे। हमने तो हमेशा से हर तरह की वायलेंस का कंडेमनेशन किया था, करते करते रहेंगे, मगर इस तरह जाकर उसको हिंदू मुस्लिम बना देना, और यही वो लोधा जी है जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये लव जिहाद के केस लाखों की तादाद में बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में। जब उनसे पूछा गया सवाल के बताओ कितने बढ़े, तो कुछ नहीं निकला, तो क्यों पोलराइज करना चाहते हैं ये? अरे बांग्लादेशी, महाराष्ट्रियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी क्राइम करेगा उसको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अब इनको ये सब दिखता है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक के हसन के अंदर जो वाकिया हुआ जिसमें MP के जो इलेक्शन लड़ रहे थे रेवन्ना, उन्होंने क्या किया? हजारों हिंदू महिला बहनों का बलात्कार किया है उन्होंने, उसका सेक्स स्कैंडल के वीडियो टेप्स बाहर आ गए, प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे उनका चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, मोदी ने कहा था कि एक एक इनको जो वोट दिया है वो वोट समझो हमको मिलेगा, अब वो जर्मनी को भाग गए, उनके वीडियो का सेक्स टेप पूरे देश भर में चल रहा है, तो उसके बारे में क्यों कोई आवाज नहीं उठाता, उसको सजा दिलाने की कोई मांग क्यों नहीं कर रहा, कहां चले गए पूरे चैंपियंस पूरे के पूरे? अब उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? लव जिहाद बोलेंगे, कौन सा जिहाद आप उसको बोलेंगे? तो यही है ना, भाजपा बोलती कुछ है करती कुछ है, उनकी करनी और करती में बहुत फर्क होता है, दूसरों की तरफ एक उंगली उठाओगे तो चार उंगली आपकी तरफ उठेगी ना। वही इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले निजामुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।